आज हम पनीर भरता बनाएंगे। जिसको मीठी सब्ज़ी पसंद नहीं है उसको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। नमस्ते, कमला फूड पार्किंग में आपका स्वागत है। पनीर भरता बनाने के लिए ये मैंने एक कटोरी दूध लिया है। दूध को फाड़ने के लिए नींबू का रस लिया है। पनीर के अंदर भरने के लिए ये आलूओं को, एक आलू है इनको बॉईल किया है। मटर को, दोनों को उबाल लिया है। इसमें डालने के लिए ये मसाले हैं और थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। ग्रेवी के लिए एक टमाटर है, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और ये मसाले हैं। दूध उबल गया है, इसमें नींबू का रस डालकर फाड़ लेंगे। दूध फट गया है, छान लेती हूँ। एक गिलास पानी से धो लूंगी, ठंडा भी हो जाए, खट्टापन भी निकल जाए। अब चम्मच से नहीं हिलाएंगे। वजन रखने से इसका सारा पानी निकल जाए। ये पनीर तैयार है, इसको अच्छे से चूर लेंगे। टेस्ट अनुसार नमक, एक चौथाई चम्मच मिर्ची पाउडर, चुटकी भर हल्दी, एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, धनिया पत्ती, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक चौथाई चम्मच नींबू का रस। कढ़ाई में मैंने एक छोटा चम्मच तेल रखा है, ये डाल देती हूँ। राजीरा और ये मसाला, गैस बंद कर देती हूँ। आप चाहें तो इसमें लहसुन और हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी धनिया पत्ती और डाल दूंगी। अब मैं इनको मिक्सर में पीस लेती हूँ। इसका पेस्ट बना लिया है। ये मैंने कढ़ाई में तीन छोटी चम्मच तेल रखा है, मैं ये डाल देती हूँ। अब ये पेस्ट, इसको पकने देंगे। अभी हाई फ्लेम ही है। इसमें ये शिमला मिर्ची डाल देती हूँ जो मैंने लंबे लंबे स्लाइस किए, और ये भी साथ में पक जाएगी। अब गैस को स्लो कर देंगे। ये ग्रेवी से तेल निकल रहा है, फिर भी इसको दो मिनट और पकाएंगे। गैस हाई फ्लेम पे कर देती हूँ। ऐसे चलाते हुए ही पकाएंगे ताकि हमारी ग्रेवी नीचे लगे नहीं। अब गैस स्लो करती हूँ। इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चौथाई चम्मच नमक। मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालूंगी और गैस को हाई फ्लेम पे करूंगी और इसको अच्छे से पकाऊंगी। ये देखिए ग्रेवी पक गई है, इसमें धनिया पत्ती डाल देती हूँ। अब ग्रेवी को पतला करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। एक उबाल आएगा फिर गैस बंद कर देंगे। ये देखिए बुलबुले फूट रहे हैं, गैस बंद कर देती हूँ। इसमें एक चौथाई चम्मच नींबू का रस डालूंगी और मिक्स करूंगी।
पनीर के दो टुकड़े करेंगे ऐसे, और बीच में से ऐसे चाकू से निकाल लेंगे। इस बचे हुए पनीर को आप दूसरी सब्जी में भी डाल सकते हैं। इसमें ये मसाला भर दूंगी। इसको धनिया से डेकोरेट करूंगी। इस सब्ज़ी में मैंने मीठा बिल्कुल नहीं डाला है। जिसको मीठी सब्ज़ी पसंद नहीं है उसको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी, और जिसको मीठा पसंद है उसको भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।